भारत का इतिहास काफी पुराना है। हमारे देश में एक नहीं बल्कि कई वंशों और उसके शासकों ने कई वर्षों तक शासन किया। उन्हीं में से एक वंश था चोल राज्य वंश। कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरी तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसी प्रदेश में तीन प्रमुख राज्य थे, चोल, चेर तथा पांडे। अति प्राचीन काल में इन तीनों राज्यों का अस्तित्व रहा है। अशोक के 13वें शिलालेख में इन तीनों राज्यों का स्वतंत्र रूप में उल्लेख किया गया है, जो उसके राज्य के सुदूर दक्षिण में था। कालांतर में चोलों ने अपने लिए एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। उनके उत्कर्ष का केंद्र तंजोर था और यही चोल साम्राज्य की राजधानी बनी। चोलमंडल की शक्ति का उत्कर्ष राजा विजयालय द्वारा हुआ, जो कि लगभग 864 ईस्वी के लगभग राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उससे पूर्व चोलों की स्थिति पल्लव वंश के सामंतों से सदृश थी, पर विजयालय ने पल्लवों की अधीनता से चोलमंडल को मुक्त किया और स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना शुरू कर दिया। 880 ईस्वी के लगभग विजयालय का पुत्र आदित्य चोलमंडल का स्वामी बना। उसने पल्लव राजा अपराजित वर्मा को परास्त कर 895 ईस्वी के लगभग कांची पर कब्जा कर लिया और संपूर्ण पल्लव राज्य को अपनी अधीनता में ले लिया। पल्लवों की पराजय के कारण आदित्य ने चोल राज्य की उत्तरी सीमा दक्षिणापथपति राष्ट्रकूटों के राज्य की सीमा के साथ आ लगी। तलकाट के गंग राज्य पर आक्रमण कर आदित्य ने उसे भी जीत लिया और गंग वंश के राजा को अपना सामंत बनाया। आदित्य के बाद उसका पुत्र परांतक चोल राज्य का स्वामी बना। उसने दक्षिण की ओर आक्रमण कर पांडव राज को जीत लिया और कुमारी अंतरीप तक अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया। वह समुद्र पार कर लंका पर भी जीत प्राप्त करना चाहता था, पर इसमें उसे सफलता नहीं हुई। जिस समय परांतक सुदूर दक्षिण में युद्ध कर रहा था, कांची के पल्लव कुल ने अपने लुप्त गौरव की पुनः प्रतिष्ठा का प्रयत्न किया, पर चोल राज्य ने उसे बुरी तरह कुचल डाला और भविष्य में पल्लवों ने फिर कभी अपने उत्कर्ष का प्रयत्न नहीं किया। राष्ट्रकूट राज्य चोल राज्य के उत्तर में स्थित था और वहां के राजा चोलों की बढ़ती हुई शक्ति से बहुत चिंतित थे। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने दक्षिण के इस नए शत्रु का मुकाबला करने के लिए विजय यात्रा आरंभ की और कांची को एक बार फिर राष्ट्रकूट साम्राज्य के अंतर्गत किया। पर कृष्ण तृतीय केवल कांची के विजय से ही संतुष्ट नहीं हुआ, उसने दक्षिण दिशा में और आगे बढ़कर तंजोर पर भी आक्रमण किया, जो इस समय चोल राज्य की राजधानी थी। तंजोर को जीत कर उसने तेजयु कुंड की उपाधि धारण की और कुछ समय के लिए चोल राज्य की स्वतंत्र सत्ता का अंत कर दिया। इस युद्ध में चोल राज परांतक के पुत्र ने वीरगति प्राप्त की। राष्ट्रकूटों के उत्कर्ष के कारण 10वीं सदी के मध्य भाग में चोलों की शक्ति बहुत मंद पड़ गई, पर चोल राज्य की यह दुर्दशा देर तक कायम नहीं रही। 985 ईस्वी में इस राज्य का स्वामी राजा राज प्रथम बना, जो बहुत ही प्रतापी और महत्वाकांक्षी था। इस समय तक दक्षिणापथ में राष्ट्रकूटों की शक्ति छीन हो चुकी थी और उनका अंत कर चालुक्य वंश ने कल्याणी को राजधानी बनाकर अपनी शक्ति स्थापित कर ली थी। दक्षिणापथ में राज्य परिवर्तन के कारण जो स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, राजा राज प्रथम ने उससे पूरा लाभ उठाया और अपने राज्य का विस्तार शुरू कर दिया। सबसे पूर्व उसने चोल मंडल के दक्षिण में स्थित पांडे और केरल राज्यों पर आक्रमण किए और उन्हें जीतकर कन्याकुमारी तक अपने राज्य को विस्तृत कर दिया। समुद्र पार कर उसने लंका में भी विजय यात्रा की और उसके उत्तरी प्रदेश को भी अपने राज्य में शामिल किया। पश्चिम दिशा में उसने द्वार समुद्र के होयसाल राज्य की विजय की और उसके राजा को अपना सामंत बनाया। पांडे, केरल और द्वार समुद्र को जीत लेने के बाद राजा राज प्रथम ने उत्तर दिशा में आक्रमण किया, जहां अब चालुक्य राजा सत्याश्रय का शासन था।
सत्याश्रय को परास्त करने के बाद कुछ समय के लिए राजा राज ने कल्याणी पर भी कब्जा किया। शक्ति वर्मा के उत्तराधिकारी विमलादित्य ने राजा राज के आक्रमणों से परेशान होकर उनकी अधीनता स्वीकृत कर ली। नौसेना की दृष्टि से भी राजा राज प्रथम बहुत शक्तिशाली थे। समुद्र पार कर जिस प्रकार उसने सिंहलद्वीप पर आक्रमण किया था, वैसे ही उसने मालदीप नामक द्वीप को भी विजय किया। इसमें संदेह नहीं कि राजा राज प्रथम एक अत्यंत प्रतापी राजा थे और उनके नेतृत्व में चोल राज्य ने बहुत अधिक उन्नति की। तंजोर में विद्यमान राजराजेश्वर शिव मंदिर उनके वैभव का सर्वोत्कृष्ट स्मारक है और उसकी दीवार पर उत्कीर्ण प्रशस्ति ही उनके इतिहास का परिचय प्राप्त करने का मुख्य साधन है। 985 से 1012 ईस्वी तक राजा राज प्रथम ने शासन किया और इस काल में चोल राज्य की बहुत उन्नति हुई।